بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما अच्छा बच्चों, कल हम लोगों ने लास्ट कल नहीं अब पिछले हफ्ते हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था वाहिद जमा और अल्फाज मुतजाद। सही, अल्फाज मुतजाद कर लिए थे हम लोगों ने और क्या करे थे? वाहिद जमा और उसमें से चंद वाहिद और जमा, चार, दो वाहिद दो जमा, उनको जुमलों में इस्तेमाल करना सीखा था। ठीक है, सही। और ये होमवर्क भी आप लोगों को सबमिट करवा दिया है। कल के लिए ये है कि कल आप लोगों का क्विज है पोर्टल पे, स्कूल पोर्टल पे आप लोगों को इसने उर्दू की तरफ से नोटिफिकेशन दे दी है। कल आपका स्कूल क्विज है, क्लास में ये उर्दू का क्विज है। क्विज किस तरह कंडक्ट किया जाएगा सब सुन लीजिए। क्विज में कौन कौन से जो उनवान की आपको मश्क करनी है, प्रैक्टिस करनी है, वाहिद जमा मुतजाद। सही, अली रजा आवाज आ रही है आपको? बच्चा आ रही है आवाज? आ रही है। तो इसकी इसकी आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। सही, तो क्विज क्या किस तरह लिया जाएगा, किस तरह करना है आपको? क्लास जो टाइमिंग है उसी के दौरान आपको क्विज करना है। ठीक है, किसान आप सब अपनी अपनी पिक्चर्स दिखाइए। शाबाश, वेरी गुड कबीर। हाँ किसान, अरीशा, यस अब्दुल्ला अलवी, वेरी गुड। अरीशा खान, दुआ खान, बेटा अपनी पिक्चर के साथ, अपनी वीडियो के साथ आइए। अब देखिए, कल क्विज होगा तो आपको पता है, नहीं तो मैं आपको समझा दें किस तरह करना है। ये चैट है, इसमें मैं आपको एक लिंक भेजेंगी। ठीक है, उस लिंक पे आपको प्रेस करना है और आपके पास एक क्विज फॉर्म खुल जाएगा और आपको वो पढ़कर ऑप्शन पे टिक करना है और सबमिट कर देना है। ठीक है, विद इन द क्लास टाइम। सही, उसके बाद उसी वक्त उसी दिन का रात के मिस टाइमिंग दे देंगे, 8 o'clock तक आपके पास टाइम होगा। जो बच्चे रह गए हों तो पोर्टल पे जाके उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्विज का तरीका क्या है कि कल आप लोग को क्लास स्टार्ट होते ही 5 मिनट बाद, 10 मिनट, 5 मिनट क्लास है, सब एडमिट हो गए, उसके बाद मिस ने यहाँ पर चैट पे जाके आपको लिंक दिया है, आपने उस लिंक को प्रेस किया है, फॉर्म आपने आपको क्विज फॉर्म आ जाएगा और उसको आपको अटेम्प्ट करना है, सबमिट करना है अपने नाम के साथ और तारीख के साथ। ठीक है, आगे समझ में? कल आपका क्विज है और क्विज के लिए क्या करना है आप लोगों को? यस, क्विज के लिए ये है, क्विज के लिए आप लोग को कौन कौन से उनवानात की तैयारी करनी है, मुजक्कर मौनस अल्फाज मुतजाद, इसमें बताए इसमें किससे कहते हैं, इसमें इसमें पढ़ाया था आप लोगों को। ठीक है, सही। और कल के दिन, कल अगर कोई बच्चे रह गए हैं इन केस, तो 8 o'clock तक आपके पास टाइम होगा, आप पोर्टल पे जाके लिंक क्लिक करके आप अपना अपना क्विज सबमिट करवा सकते हैं। सही है, बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप लोग को सवाल से इतना पढ़ना है और सही जवाब पे आपको टिक करके सिलेक्ट करके उसको सबमिट करवा देना है। आवाज आ रही है सबको बच्चों? हाँ सही है। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा दोहरा लेते हैं ताकि आपको कल को इसमें मुश्किल ना हो। इसम किसे कहते हैं? पहले वाहिद जमा। वाहिद से मुराद क्या होता है? वाहिद का मतलब क्या है? एक। सब देख रहे हैं ना स्क्रीन पे? सब स्क्रीन पे देखिए, शाबाश। वाहिद का मतलब क्या है? एक। सही, मतलब के किताब, एक हो गया। यस, वाहिद का मतलब क्या है? एक। और जमा के मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा। ठीक है, अब जैसे किताब, किताबें, ये किताब क्या हो गया? यहाँ वाहिद हो गया, किताब भी क्या होंगे? जमा हो गए। ठीक है, यहाँ खिड़की, खिड़कियां। सही, ये आपको मिसालें हैं चंद। उसके बाद मुतजाद, अल्फाज मुतजाद मतलब के उलट, दिन रात सुबह शाम, ये क्या हो गया आपका? मुतजाद हो गया। ठीक है, कि आपको जो उलट, मुतजाद से क्या मुराद है? मुतजाद से क्या मुराद है? ये है उलट। ठीक है, मुतजाद से क्या मुराद है? उलट।
और वाहिद से क्या मुराद है? एक। और इस्म, इस्म की तारीफ, इस्म से क्या मुराद है? यस सबिका, एक मिनट वेट कीजिए सबिका। हाँ, इस्म, इस्म वो कलमा है जो किसी भी शख्स, जगह, जानवर, चीज के नाम को जाहिर करे, उसको हम क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। ठीक है, सही। ये जो चीजें आपको बताई हैं कल आप इंशाअल्लाह क्विज में आपको मावन साबित होंगी, हेल्पफुल होंगी आपके लिए इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट वीक फिर एक और क्विज है मिस रखेंगे आप लोगों के लिए, पहले एक अटेम्प्ट कर लें, आप लोगों को मजा आएगा, अच्छा आपका जजमेंट हो जाएगी, आपको खुद करना आ जाएगा। और ठीक है, उसके बाद जो दूसरा क्विज होगा वो भी आपको बता दिया जाएगा कि कब हो रहा है। ठीक है, जैसे आज इन्फॉर्म किया है, उससे पिछले एक हफ्ते पहले भी आप लोगों को बता दिया था, पोर्टल के जरिए देख लीजिएगा आप। सही, आगे समझ में। अब हम करते हैं आज के उन्वान की तरफ, हम आते हैं। आज का हमारा उन्वान है तफहीम। यस, ये कौन सी वर्कशीट है? तफहीम की। सब निकालिए अपने वर्कशीट तफहीम की, ये दे चुके हैं लेकिन इसको करने का तरीका बताते हैं आपके, तफहीम किस तरह की जाती है। सही, ये सभी का, सब अपने बेटा कैमरा जरा ऑन कीजिए, अपनी पिक्चर दिखाइए हमें। ये सभी का आप क्या पूछना चाह रही हैं? प्लीज स्क्रीन पे कोई ना करे। यस सभी का जी, जी वेरी गुड। हाँ, ये वाली वर्कशीट। यस जारा, सभी का क्या पूछना है आपको? बेटा पूछिए, आपने हाथ खड़ा किया था ना, अनम्यूट कीजिए अपने आपको। यस, नहीं पूछना भी? अच्छा चले बेटा, ये जो स्क्रीन पे आप कर रहे हैं ना, शाबाश। आप सबसे पहले एक रूल याद रखें, अगर स्क्रीन शेयर की जा रही है, कबीर क्यों हंसी आ रही बेटा, इतना क्यों हंस रहे हैं? आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं ना कबीर, है ना, माशाल्लाह से आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, उर्दू की क्लास में जबरदस्त जा रहे हैं, क्विज में 10 out of 10 आने चाहिए। सही, यस। अच्छा देखिए, आप लोगों को अभी जो स्क्रीन शेयर किया जा रही है, आप लोगों ने कर चुके तफहीम, हमें पता है कर चुके हैं आप लोग। अभी आपको आज ये करवाएंगे मिस, कल फिर एक और पैसेज देंगी। ठीक है, सवालात आपको पैसेज पढ़ने होंगे और उन सवालात के जवाब लिखने होंगे। ठीक है, सिर्फ जवाब लिखने होंगे आपको, मिस शेयर करेंगी। सही, समझ में आ रहे? चलें, अब स्क्रीन पे कोई कुछ नहीं करेगा। सही, तफहीम का मतलब क्या है? इसमें है कि आपको इबारत, इबारत मतलब क्या होती है, ये जो एक पैसेज, ये पैराग्राफ जो दिया हुआ है, ठीक है, जुमलों का मजमुआ को कहते हैं इबारत, पैराग्राफ। तो उसमें आपको पढ़ना है और जो नीचे सवालात दिए गए हैं, सवालात का जवाब उस इबारत को की, इस इबारत से उस जवाब, उसके जवाब आपको देने हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे पूरा आपको एक पूरी इबारत दी हुई है, ये पढ़ना है और इन सवालात के जवाब देने हैं। ठीक है, यहाँ पर है, मिस पैसेज पढ़ रही हैं। अब ऐसा करती हैं, थोड़ी डिस्टर्बेंस भी हो गई थी थोड़ा नेट की वजह से। आप सबको आवाज आ रही है? सब नजर आ रहे हैं? मिस नजर आ रही है सबको? Isn't it? अच्छा, अब ये देखिए बच्चों, मिस ना एक एक करके सबको म्यूट करेंगी और आप लोग को फिर इसमें से रीड करना है। ठीक है, सबसे पहले आप आइए जारा। ठीक है जारा, अपनी वर्कशीट निकालिए। हाँ, यस, ओवर टू यू जारा, अब इसको जरा रीड कीजिए। हाँ पढ़े, पहला पढ़े। यस जारा, प्लीज ये स्टॉप डूइंग दिस काइंडली, काइंडली। ठीक है जारा, इतने आप वर्कशीट लेकर आइए, इतने दुआ
आप स्टार्ट कीजिए, आप वर्कशीट लेकर आइए जारा, कोई ऐसा मसला नहीं है। इनाया, यस इनाया, काइंडली जिसने भी ये किया इसको रब कीजिए, शाबाश। यस इनाया, ओवर टू यू। हाँ इनाया, ये वाली वर्कशीट है आपके पास, एक मिनट जरा जरा मिस देख लें कौन कर रहा है। हाँ चलिए, आप कोई ना करें, मिस को नाम पता चल गया। चलिए इनाया, पहला जुमला पहला लाइन रीड कीजिए इसकी कॉम्प्रिहेंशन की। दही सेहत के लिए, हाँ वर्कशीट निकालिए, शाबाश। आप थोड़ा लेट आई हैं आज। नहीं है ये वाली तफीम की वर्कशीट, नहीं है आपके पास? No, दही सेहत के लिए मुफीद तरीन गजाओं में से एक है, ये आपकी तफहीम की वर्कशीट है। सबसे पहले आपको होमवर्क दिया था, आप फाइंड आउट कीजिए, वरना ये जो लिखा हुआ है इसमें से पढ़ लीजिएगा। ये जारा वर्कशीट आ गई आपके पास? चलें अब पढ़िए, पढ़ना शुरू कीजिए। हाँ यस, आपको मिस कर दी। यस सर, पढ़िए। हाँ पढ़े जारा, पहली लाइन, दही सेहत के लिए मुफीद तरीन गजाओं में से एक है, शाबाश। ये कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर होता है, जो कि हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसके साथ साथ ये प्रोटीन से भी भरपूर होता है, जो शाबाश। एक मिनट, हो गया सही, भरपूर होता है, शाबाश। ओके इट्स योर टर्न आया, उसके बाद फिर किस्सा की टर्न है, ठीक है। चले स्टार्ट कीजिए पढ़ना शुरू से, दही सेहत के लिए। जी स्क्रीन नहीं देख सकती जो आपने शेयर की है। अच्छा आपके वर्कशीट नहीं मिली आपको? ओके चले दोबारा शेयर करती हूँ। सही चलिए, अब देखिए इसको थोड़ा सा लार्ज कर देती हूँ मिस, और आपके लिए इसको यहाँ से हटा के। सही चले पढ़िए अब, दही पहला वर्ड है, प्लीज बेटा डोंट डू। हाँ सेहत के लिए मुफीद तरीन गजाओं में से एक है। अच्छा ये बताइए आपकी वर्कशीट क्यों नहीं है बेटा, कहाँ गई? मेरे पास नहीं है वर्कशीट। ये उर्दू की तफहीम की वर्कशीट होगी ना, क्योंकि वो हमने आपने पूरी फाइल बनाई हुई देखी है, क्योंकि आज इसमें से मिस आपको क्या करेंगी, इसमें से चंद 10 इमला के अल्फाज अंडरलाइन करवाएंगे। दिखाइए, यस यही तो है, जैसे क्वेश्चन आंसर है। हाँ तो ऊपर एक पैराग्राफ दिया हुआ है ना, इसको कहते हैं तफहीम। हाँ शाबाश, वेरी गुड हुनैन, इसको क्या कहते हैं तफहीम। तफहीम मतलब क्या होता है, पैराग्राफ दिया हुआ है, उस पैराग्राफ में से आपको क्या करना है, यस उस पैराग्राफ में से आपको क्या करना है, सवालात नीचे दिए सवालात के जवाब लिखने हैं, ठीक है वन बाय वन। अब जब मिस जिसको भी अनम्यूट करेंगे उसको रीड करना है, और उसमें से फिर मिस आपको 10 इमला के अल्फाज अंडरलाइन करवाएंगी। उस वक्त जो जिसको मिस अनम्यूट करेंगे वो व्हाइट बोर्ड पे हमें इमला मिस बोलेंगी और वो लिख कर दिखाएगा। सही है, समझ में आ गया कैसे? ये देखिए, अगर मिस ने आपसे कहा मिसाल के तौर पे किस्सा, किस्सा नाम है ना आपका, यस
किसा किसा ओवर टू यू बेटा, जरा आप इसमें लिखिए अच्छा, इस बोर्ड पे लिखिए अच्छा लिखा जा रहा है, देखिए आप लिख सकती हैं इसपे, हाँ लिख कर दिखाइए अच्छा किसा। ओनली मिस ने किसा से कहा है, किसी और से नहीं कहा है। शाबाश, लिख कर दिखाइए इसमें अच्छा। हाँ किसा आप कहाँ हैं बेटा, लिखिए जल्दी से, टाइम वेस्ट हो रहा है इस तरह। किसा फातिमा स्क्रीन पे लिखिए अच्छा, मिस आपसे एक प्रैक्टिस है। हाँ अलेफ अच्छा, शाबाश अच्छा, हाँ हाँ लिखिए बेटा। डोंट डू दिस, कौन कर रहा है, इस तरह मिला नहीं लेंगी मिस आप लोगों से, प्लीज किसा लिखिए अच्छा। पुश फोर्स जोर से, अच्छा ये देखिए बच्चा, अगर आप इसको व्हाइट बोर्ड पे ऐसा करेंगे तो हम इमला नहीं ले सकते आप लोगों से, और जिसने करा है वो कल उसके टेस्ट में, क्विज में, कल क्विज है आप लोगों का, क्विज में आप लोग के माइनस फाइव, उसका नाम हमने लिख लिया है यहाँ पे ऑप्शन पे जाके, हमारे पास नाम आ गया है, ठीक है सही है। अब सब तफहीम की वर्कशीट देखें, अपनी ये वाली वर्कशीट देखें, तफहीम की वर्कशीट देखें सब, हाँ ये वाली वर्कशीट देखें सब, अपनी मिस पढ़ रही है और आप लोग पढ़ते रहें और अंडरलाइन करें इमला के अल्फाज, इसमें अंडरलाइन करिए इमला के अल्फाज। कबीर जी जल्दी से, दही सेहत के लिए, दही पेंसिल लीजिए जो मिस व्हेन विल यू टेल द नेम्स, आपको नाम बताएं अभी, हम कल बताएंगे क्विज के वक्त जिसके माइनस फाइव हो जाएंगे ना, देखिएगा आप। थैंक यू बच्चा, सही है सब, ये पैराग्राफ निकाले तफहीम का और पेंसिल निकालें और अंडरलाइन करें इसमें से अल्फाज जो मिस कह रही हैं। दही सेहत के लिए मुफीद तरीन, अंडरलाइन द वर्ड मुफीद तरीन। दुआ खान, अब जो लेट आएगा काइंडली फिर मैं उसको आइंदा एडमिट नहीं करेंगे। यहाँ यस, इसको अंडरलाइन कीजिए, ये है मुफीद तरीन, अंडरलाइन कीजिए इसको मुफीद तरीन, ये रहा मुफीद तरीन, अंडरलाइन कीजिए मुफीद तरीन, सही। मुफीद तरीन ग़िज़ाओं में से एक है ये कैल्शियम, अंडरलाइन द वर्ड कैल्शियम, अंडरलाइन द वर्ड कैल्शियम, हाँ कैल्शियम को अंडरलाइन करें, शाबाश। ये आपका इमला होगा जुम्मे को, और विटामिन डी, अंडरलाइन द वर्ड विटामिन डी, ये रहा अंडरलाइन द वर्ड विटामिन डी। वाओ, टे अलेफ मीम नून दाल छुटी डी, विटामिन डी से भरपूर होता है जो कि हड्डियों को मजबूत, ये अंडरलाइन कीजिए वर्ड मजबूत, मीम द्वाद बे वाओ तोए मजबूत, अंडरलाइन किया सारा आपने, सब अंडरलाइन कर रहे हैं वर्ड, ठीक है। जुम्मे को इसका इमला है आप लोगों का, वेरी गुड, मजबूत बनाता है। इसके साथ साथ ये प्रोटीन, अंडरलाइन द वर्ड प्रोटीन, ते रे वाओ टे ये नूटीन, प्रोटीन से भी भरपूर होता है जो मसल्स बनाने में मददगार होता है। इसके अलावा अगर खाने के बाद दही का इस्तेमाल, अंडरलाइन द वर्ड इस्तेमाल, अलिफ सीन ते एन मीम अलिफ लाम, इस्तेमाल अंडरलाइन करा सबने वर्ड इस्तेमाल, यस को अंडरलाइन कीजिए इस्तेमाल सबकी। हाँ खतरनाक को भी अंडरलाइन कीजिए बेटा,
अब ये देखिए दोबारा से, उससे पहले मिस ने बोला था खतरनाक को अंडरलाइन करना है, हजम हजम हे ज़ात नीम हजम, हजम को अंडरलाइन करना है, खतरनाक को अंडरलाइन करना है, ठीक है। खतरनाक और जहरीले, ये रहा जहरीले जी बेटा, जहरीले मवाद से पाक करता है, दही में मौजूद बैक्टीरिया कुव्वत मदाफियत, आप अपन अंडरलाइन क्या करेंगे, कुव्वत मदाफियत, कितने हो गए अल्फाज, कुव्वत मदाफियत कितने अल्फाज हो गए बेटा, इनाया कितने अल्फाज अंडरलाइन करवा लिए इसने, हाँ दानियाल आपके चेहरा नजर नहीं आ रहा, कितने अल्फाज अंडरलाइन हो गए, काउंट करके बताइए इमला के, हाँ अनम्यूट कीजिए अपने आपको, अनम्यूट कीजिए, हाँ कितने हो गए आप बोलिए, अच्छा आवाज नहीं आ रही आपकी, चलें ठीक है सही। इजाफे का बायस होता है, ये अल्फाज अंडरलाइन कीजिए, बायस बे अलिफ ऐन सीन से, बायस बायस होता है, इस तरह इसमें इंसानी जिस्म के लिए जरूरी विटामिन्स भी काफी मिकदार में मौजूद होते हैं, इसे सर पर लगा के आप खुश्की, अंडरलाइन द वर्ड खुश्की, फेशीन काफ छुटिए की, खुश्की से निजात भी हासिल कर सकते हैं, दही खाने में बहुत मजेदार होता है, ठीक है मजेदार लफ्ज है यहाँ पर, मजेदार ठीक है, अंडरलाइन कर लिया बच्चों आप लोगों ने ये अल्फाज, एक मिनट कभी, अच्छा अब मिस ना किसा, हाँ किसा मिस आपको अनम्यूट करनी है, जरा सारे अल्फाज एक दफा दोहराएं, हाँ किसा एक दफा अल्फाज, किसा बेटा बात बंद कीजिए, अल्फाज दोहराइए कभी, एक मिनट, और ये अल्फाज का इमला जुम्मे को होगा, जो मिस ने अंडरलाइन करवाए हैं इसका जो इमला कब होगा बेटा, जुम्मे को होगा, यस किसा आप कहाँ जा रही हैं, एक जगह बैठिए सुकून से बेटा, हाँ बताइए सारे अल्फाज दोबारा दोहराइए, यस किसा अल्फाज दोहराइए दोबारा, मुफीद तरीन, उसके बाद आप अभी सीरियस नहीं, जारा आप दोहराइए बेटा, हाँ शुरू से अल्फाज दोहराइए ताकि सब सुन लें एक दफा और, हाँ दोहराइए शाबाश, यस अनम्यूट कीजिए अपने आपको जारा, और कल क्विज के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है बेटा, हाँ मुफीद तरीन, कैल्शियम विटामिन डी, मजबूत प्रोटीन, शाबाश इस्तेमाल इस्तेमाल भी तो है ना, जमाल हजम, खतरनाक खतरनाक शाबाश, और क्या था, जहरीले जहरीले, और बाईस बाईस शाबाश, खुश्की खुश्की, और मजेदार शाबाश, समझे जज़ाकअल्लाह गुड एक्सेलेंट बेटा जबरदस्त जज़ाकअल्लाह, खुश रहे इनाया कभी कभी, लेकिन किस्सा दानियार सब ने सुन लिया इन अल्फाज के, आपको मश करनी है प्रैक्टिस करनी है, मिस आपसे इसका जुम्मे को इमला लेंगी कल आप, और ये अल्फाज मिस टाइप करके आपके पोर्टल पे जो है होमवर्क पोर्टल पे टाइप कर देंगे अभी, सही है आपको इसकी मश करनी है इसका इमला लेंगे, ठीक है, और उसके बाद बेटा आपको कल क्विज के लिए तैयार होना है, उसके बाद फिर हम नया टॉपिक पढ़ेंगे अपने महावरात, कल हम क्या पढ़ेंगे अपना नया टॉपिक महावरात, यस कबीर कबीर अभी जी जी फरमाइए, मिस आई कैन नॉट हियर यू, आई डिडंट हियर यू व्हेन एवरीवन वाज लाइक ज़ारा वाज टेलिंग एंड आई डिडंट लिसन, अच्छा कोई मसला नहीं है, आप स्कूल पोर्टल पे जाइएगा, आपको होमवर्क अपलोड मिलेगा, जो अल्फाज दिए हुए उस अल्फाज की आपको प्रैक्टिस करनी है आपके इमला के लिए, एक मिनट इनाया हसन 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 बेटा जी क्या कह रहे हैं,
आज बहुत कम बच्चे आए, सिर्फ 8 बच्चे आए हैं बस। यस, सबको दिल ने चाहा। हाँ, मैंने जी टीचर के कितने मिनट बचे? ओहो, क्लास बस खत्म हो गई है, 1 मिनट रह गया है बस। ठीक है, यस इनाया जी, सभी का आपको सवाल नहीं पूछ रही है जी। जी इनाया जी, आपने जो कल जो टेस्ट है वो कल है जी? कल है, कल की डेट है फ्राइडे को। कब की डेट है? फ्राइडे की? आपने कहा फ्राइडे को है। नहीं नहीं, क्विज जो है बेटा वो कब है? कल है क्विज, और फ्राइडे को हमारा इमला, इमला में से हमारे 5-10 मिनट लगेंगे बस। ठीक है, सही है, इमला तो माशा इतना आसान होगा कि आप लोग फौरन कर लेंगे। इसकी मश्क करने की कोशिश करेंगे, कोशिश कीजिए, मतलब प्रैक्टिस बहुत कीजिएगा। सही है, कल क्विज के लिए तैयार रहिएगा। आज हम लोग ने तफहीम की वर्कशीट की है, उस तफहीम की वर्कशीट आपको लोग कर चुके थे, आपके सामने मिस ने पढ़ी, उसमें मुश्किल अल्फाज को मिस ने अंडरलाइन करवाया। उसकी तैयारी कीजिएगा, मश्क कीजिएगा, ताकि आपको जुम्मे को इमला लिया जाए। और एक बात सब बच्चों से, बराए मेहरबानी जब भी कोई भी टीचर कोई भी स्क्रीन शेयर करें तो खेलना मत करें उससे, निशान डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप समझे? आपकी अपनी क्लास है, अपनी क्लास को इस तरह गंदा करते हैं आप अपने आप को इस तरह गंदा करते हैं। कबीर ऐसे तो नहीं करते ना, हसन ऐसे तो नहीं करते, इनाया जारा नहीं ना, है ना, दानियाल सबीका किस्सा, अपने घर को अपनी चीजों को साफ रखते हैं। इसका मतलब ये आपको जो स्क्रीन शेयर हो रही है, समझे, आपका अपना पेज है। ठीक है, और जिन बच्चों ने किया उनके नाम हमारे पास आ गए हैं, डोंट वरी, हम क्लास में कल करेंगे तो मुझे बताएंगे क्विज के दौरान। सही है, कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, क्विज है हमारा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महाव्रत। ठीक है, सही है, क्लास का टाइम खत्म हो गया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप लोग। ठीक है, अल्लाह।